उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि ना होती है और ना ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देवशास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर 2.5 द्वीप विधान सम्पन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहूति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। नाने हम किन किन गतियों में भटक गए हैं और किन किन गतियों में गए हुए हैं, ये जीव ने कहां कहां जन्म लिया होगा, उसको पार करते करते मनुष्य गति मिली और इस मनुष्य गति को हम व्यर्थ में खो देंगे तो फिर मिलना मुश्किल है। आज तक भर क्षेत्र के अंदर किसी जीव ने, किसी ज्ञानी ने ये अपने अंदर का ज्ञान नहीं जगाया कि ये मनुष्य पथ कैसे मिला, फिर मिलेगा या न मिलेगा, इसको बर्बाद मत जाने दीजिए, इसको रास्ते से मत गिरने दीजिए, हमें रास्ते पर लगाना है। समझो अपनी विचारधाराओं को उसने बदल दिया और रास्ते पर लग गया तो पार हो गया, समझो बिना स्वार्थ। इसलिए बंधु समझो अपनी बात को, खोटी अटन्नी नहीं चलती है, चौकी चलती है। यदि मैं खोटा हूंगा तो इनके पास नहीं आ पाऊंगा। तो आज भर क्षेत्र के अंदर इनके पास कोई नहीं आ पा रहा है, क्योंकि खोटे ही खोटे दिखाई देते हैं। जैसे भगवान का जब समूषण लगता है तो नाटकीय आते हैं, वो देखकर चारों तरफ चले जाते हैं, उन्हें भगवान की वाणी अच्छी नहीं लगती है। जो नाटकीय होते हैं उन्हें भगवान की वाणी अच्छी नहीं लगती है। और कितने भव्य जीव बैठकर उनकी वाणी को सुन रहे हैं, कितने ध्यान से सुन रहे हैं, जिनने भगवान की वाणी को सुना वो पार हो जाते हैं। ऐसे नाटकीय आज भर क्षेत्र के अंदर पैदा हैं, जिनने भगवान को नहीं पहचान पाया। बड़े बड़े ज्ञानियों ने, समझो बंधुओं, धर्म दिखने में पास लगता है लेकिन धर्म बहुत दूर है, समझो। कई युग बीत जाएंगे और पास में नहीं पहुंच पाओगे, और तुमने सम्यक का रास्ता पकड़ लिया तो युग नहीं लगेगा और पहुंच जाओगे। जहां त्याग की भावना, जिसने अपने जीभ का स्वाद छोड़ दिया, और जब तक वो उस जीभ के स्वाद पर चलता है
अभी जब तक उसने वो नदी के किनारे नहीं आ पा रहा है, समझो बंधुओं, नदी के किनारे पे नहीं आ पा रहा है, और जब वो अपनी जीभ का स्वाद छोड़ देगा तो नदी के किनारे आ जाएगा। ये जिभ्या कितने प्रकार के स्वाद चख लेती है, लेकिन इतने स्वाद चखने के बाद ये पूर्ति नहीं होती है, ये लपलपाती रहती है। इसलिए बंधु, जीभ के स्वाद में कभी नहीं रहना चाहिए। जीभ के स्वाद में तुम्हारे पुद्गल की पूर्ति कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने पुद्गल को उठाने के लिए और पुद्गल को सजाने के लिए जीभ का स्वाद छोड़ना पड़ेगा। अब तुमने सोचा तो मैंने जीभ का स्वाद छोड़ दिया तो क्या मैं मोक्ष चला जाऊंगा? नहीं, अभी नहीं जा पाओगे। बहुत दूर है मोक्ष। अब जीभ का स्वाद छोड़ा है, अभी पूर्ण नहीं छोड़ा है। कभी कभी मनसा भाव बदल जाते हैं, है ना? तो कभी कभी ले भी लेते हो, लेकिन जब ज्ञान दौड़ता, अरे अब भगा इस स्वाद को, तो भगा देते हैं उस स्वाद को। जब बिल्कुल स्वाद भग जाता है, तुम बिना स्वाद का भोजन लेते हैं, तो ये गड्ढा लालची नहीं होता है। ये पेट, जिनको पेट बोलते हो, ये गड्ढा है। ये कितनी पोषण कर लेता है, ये कभी हमेशा खाली का खाली रहता है। कितने कमरे कोठे खाली कर देगा, ये खाली का खाली रहेगा। जब ये जीभ के स्वाद से एक तुम्हारा गड्ढा नहीं भरेगा बिना स्वाद के, तो ये हमेशा भरा हुआ रहेगा, समझो, फिर खाली नहीं होगा। क्यों? हमें स्वाद से मतलब नहीं, जो मिलेगा हम पान कर लेंगे। हमें तो शरीर को चलाना है, चलाना है माने शरीर को सच के चलना है, तो ये शरीर कमजोर नहीं होगा। फिर बंधु समझिए, गृहस्थ जीवन का पहला रास्ता है अपने घर में जो भोजन मिले शांति से प्रेम से खाओ। हो सकता है तुमको दूध नहीं मिला, या मलाई नहीं मिली, या मावा नहीं मिला, तो अंदर से अब तलफ रहे हो, हिम्मत तो लगाई कि जीभ का स्वाद नहीं लेना, लेकिन जीभ का स्वाद तो नहीं लिया, लेकिन मन का भाव तो खराब हो रहा है ना? आप किसको दोष दे रहे हो? अपनी पत्नी को या अपनी माँ को? इस माँ ने या पत्नी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया मेरा, कि मलाई रखी थी जरा दे देती कटोरी में, मावा देता एक बर्फी मावा की दे देता, है ना? एक दूध में दो रोटी डाल देती। इसने, मैंने मांगना छोड़ दिया तो इसने देना भी छोड़ दिया, तो किसको कोस रहे हो? किसको कोस रहे हो? ये तुम्हारी मूर्खता है। तुमने कितना पाप लाद लिया है, तुमने जीभ का स्वाद छोड़ा और पाप कितना लाद रहे हो अंदर की भावना से। अभी तुमने जीभ का स्वाद नहीं छोड़ा, तलफ रहे हो तुम उसके बिना। बंधुओं मत तलफो, इससे तो खा लो, उनको मत कोसो। इसलिए बंधुओं जब भी है तो आज ज्ञानी भी है तो बिना स्वाद के नहीं चल रहे, वे भी स्वाद से चल रहे हैं, समझो। पर असरे हैं, लेकिन वे भी स्वाद ले लेते हैं, वे स्वाद से चलते हैं, समझिए। इसलिए जब तक स्वाद से भोजन चलेगा, जिभ्या के स्वाद से इंद्रिय का पोषण होगा,
जब तक अभी धर्म मार्ग का किनारा नहीं आएगा, नदी का किनारा नहीं आएगा, वो कितना भी तपस्वी जीव क्यों ना हो। इसलिए बंधु, एक गृहस्थ का जीवन छत चढ़ने का पहला जीना है। गृहस्थ के अंदर ही हमको सजना है, गृहस्थ के अंदर जीव का स्वार्थ का त्याग करना है, भावना का खराब त्याग करना है, खराब सोच का त्याग करना है, यहीं से पूर्ण रास्ता पकड़ लेना है। समझो, जो बना दिया मैंने खा लिया, समझो शांति के साथ, कोसा नहीं, दोष किसी को नहीं दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत पूजा, समझो। देखो तुमने अपना फल कैसा पाया, एक अन्य का भोजन लेने से तुमको अपने तुमने शुद्धि का और नियम का मार्ग देख लिया है। शुद्धि में, भक्ति में, नियम में कितनी ताकत है, ये स्वयं तुमको दिखाई दे गया है। समझो इतनी अग्नि चल रही है, इतनी अग्नि की ज्वाला चल रही है, ये अमृत कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से झड़ने लगा। बंधु, जो तुमने 10 दिन भगवान की भक्ति में अपना शरीर को तपाया है, अपनी भावना को तपाया है, उसका फल ही तुमको दिखाई दे रहा है। तुम्हें और आगे उठना चाहिए। जब और आगे उठोगे, अरे देखकर आगे उठोगे, अरे हर मनुष्य को उत्साह के साथ, पहले जो सूरवीर होते थे तो लड़ने के लिए आगे उठते थे, मरने को नहीं डरते थे, आगे जाके लड़ते थे, आगे होते थे, ये शरीर भला चला जाए, लेकिन काल बनकर नहीं रहते थे। आज तुम लोग धर्म से कायर हो, समझो क्रिया से कायर हो। जितने भर क्षेत्र के अंदर मनुष्य है, चाहे ज्ञानी हो, सब है वो कायर है। कोई सूर्य भी दिखाई नहीं देता है, समझिए। आज का मनुष्य कितना लालची है, ये ब्यागा, समझो। ये नित्य कितने दृष्टि खराब है, खोटे रास्तों पर जाती है। ये हमारे की भावना कितनी खराब है, दूसरों की माया पर जाती है। इसलिए बंधु, अभी तुम्हारे अंदर खोटा ही खोटा है, इसको चोखा बनाने के लिए गृहस्थ का जीवन में ही पार होना है, समझो। यदि तुमने अपना गृहस्थ चोखा बना लिया, तो जैसे सम्यक दर्शन, जिन दर्शन से तुम मनुष्य पार हो जाता है, ये शास्त्र का लेख है, दर्शन करने से जीव पार हो जाता है, तो तुम गृहस्थ जीवन में ही रह करके अपना का जिव्या का स्वाद छोड़ने से, शरीर को तपाने से और भगवान का दर करने से पार हो जाओगे, समझो। तुमने यदि यहां का मार्ग पकड़ लिया और यहां के मार्ग पर चल गए, तो तुम खोटे नहीं बनोगे, चोखे बनोगे, तुम हीरा बनोगे। हीरा पर कितने भी घन माले जाए तो टुकड़े नहीं होते हैं, तुम हीरा बनोगे। कितने भी तुम पर आपत्ति आ गई, तो तुम सहन करके पार हो जाओगे। तब ये पर्याय, जब ऐसे तप, साधन, भावना
ये सब तुम्हारे साथ जुड़कर साथ जाएगी, मकान अटैंडियाँ नहीं जाएंगे बंधुओं, तो तुम जाने किस गति में, ऊंची गति में कहाँ देव बन जाओगे, समझो। और देव बनने के बाद मैं एक पर्याय लूंगा और मोक्ष का रास्ता पकड़ लूंगा। फिर इसलिए बंधु समझो, हमें अपने गृहस्थ जीवन में सबसे पहले जिह्वा का स्वाद छोड़ना है। कैसे छूटेगा? गरम गरम खाते ठंडा खाना सीखो, समझो भाई। हम तो गरम गरम खाते, तो गरम गरम क्या है, खाने का स्वाद नहीं मिलता है, गरम का स्वाद मिलता है। जब गरम भोजन गया, सूसू करते गए, पानी का घूंट पीते गए, कोई स्वाद नहीं मिला, अंदर चला गया खाना। और ठंडा खाओगे तो स्वाद लेकर खाओगे। तो गरम भोजन फिर सूसू नहीं करेगा, स्वाद लेकर जाओगे। जब खाना का स्वाद देखोगे तो यार ठंडा बहुत है, तो हमारे भाव भी ठंडे होंगे, क्योंकि हमने गरम खाना छोड़ दिया तो हमने क्रोध भी छोड़ दिया। हमें किसी बात पर किसी से क्रोध नहीं, माने किसी के प्रति कसाय नहीं करना है, कोई लाभ नहीं है, अपने आप उपज होता है। इसलिए बंधुओं अपने गृहस्थ का जीवन का पहला जीना का सुधार करो। पहला जीना है इस जीवन में, तुमने इसका सुधार कर लिया तो जरूर तुम छत पर पहुंचने के रास्ते मिल जाएगी। और इसी गृहस्थ में ही छत से चढ़ाऊंगा, इसलिए सूर्यवीर बनकर आओ, समझिए। देखो लड़ाइयां बार बार, एक बार होती, बार बार नहीं होती हैं। राजा जब लड़ने जाते थे राज जीतने के लिए, तो एक बार चढ़ाई करते थे देश पर और उसको जीत लेते थे, तो बस में एक बार जीतने के मौका मिलता है, है? वो 10 लाख क्षण पर्व है। तो अपना पूरा साल भर अपने शरीर को तपाओ, अपने इंद्रियों का कसौटी पर रखो, है? अरे देखे ये कन्या का भोजन खा के।